ये हम क्या बताएं, उस माँ के दिल से खुद पूछो जिसकी आंखों से एक लाल चला जाता है, उसके माँ के दिल में क्या गुजरती है कोई कहने वाली बात नहीं है। हम क्या करें, दुश्मनी किसी से नहीं थी, बेकसूर मेरा बेटा मारा गया। शिवम इधर का दुआरी का लड़का लिवा के गया था शाम 5 बजे, मेरा बेटा सो रहा था घर में, कह रहा था मैं भोज खाने के लिए लिवाए जा रहा हूँ। घर से लिवा के गया और आधा घंटे बाद उसकी अचानक बस पीछे से आ गया सबसे, उसके ऊपर से 3 बार उसने गाड़ी चढ़ाई है। क्या आपकी कोई दुश्मनी थी? किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, पूरे क्षेत्र में उसका पता कर लीजिए, कितना बेहतर लड़का था पढ़ने लिखने में, केवल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और कहीं नहीं जाता था, ना किसी की सोसाइटी थी। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं? सरकार से मेरा आखिरी बस यही, जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या की गई है, आज मेरी आत्मा तड़प रही है, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, सूख चुके हैं, केवल खून दिख रहा है, खून। जिस तरह से मेरे बेटे का खून किया गया है, अगर उसी तरह से उस घर का दीपक नहीं बुझा तो मैं अपनी दोनों बेटियों की और अपनी आत्महत्या कर लूंगी। मैं किसके सहारे जीऊं? एक ही मेरा बेटा था, 3 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था, आज एक ही आंखों का तारा था उसको भी छीन लिया गया। अब उस माँ के दिल से पूछो कि क्या गुजर रही है, कैसे मैं दोनों बच्चियों का भरण पोषण करूंगी, कैसे इनकी पढ़ाई करूंगी, कैसे इनकी शादी, कौन मेरा बच्चा है? मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है सगा संबंधी, ना उसका कोई चाचा है, ना भाई है, कोई भी नहीं बचा है। मैं बेसहाय हूँ, असहाय हूँ, इस समय अकेले हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, केवल उसे सरकार से मुझे फांसी चाहिए, फांसी। और कोई अधिकारी आया अभी तक यहाँ? अभी तक कोई नहीं आया, केवल थाने से आते रहे हैं, उनको भी घोष दे दी गई, वो भी कि उन्हीं की तरफ बोलते हैं। आज सरकार खुद दौलत में बिकी हुई है, गरीबी को कोई नहीं सुनता है, बस जहाँ पैसे होते हैं उधर पैसे, इंसान की कीमत पैसों से तौली जाती है, पैसों से जहाँ पैसा हो जाता है वहाँ इंसान बिक जाता है, ना कोई इंसाफ करता है ना कुछ करता है, गरीबों की कहीं सुनाई नहीं होती है। अब हम बेसहारा, हम लोगों की कौन सुनेगा?